अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खुश हैं, मज़े में हैं, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ पर ठीक हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बनाएंगे विंटर के स्पेशल सौगात, फ़िश की रेसिपी। एक पैन में हमने ले लिया थोड़ा सा ऑयल हसबी ज़रूरत, फिर उसमें मैंने क्यूमिन सीड्स डाल दिया ऑयल गर्म होने पे, फिर उसमें मैंने मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों डाल दी, फिर मैंने ब्लैक पेपर कॉर्न्स डाल दिए यानी कि काली मिर्च डाल दी, फिर प्याज डाल दिया। अब यहाँ पे जार में हमने जो है थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और अनियन को ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट फॉर्म कर लेंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए, अच्छा सा कलर आ जाए। फिर इसमें अब हम ऐड कर देंगे जी गार्लिक पेस्ट, सिर्फ गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है जो हमने खड़े मसाले पहले डाले हैं उसके साथ। अब हमने एक और फ्रेग्रेंस डाल दी जिसका नाम है जी कड़ी पत्ता, और इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत मज़े का बनता है। तो सब भूनने के बाद इसमें हमने डाल दिया है जी ग्राउंड किया हुआ मिक्सचर अनियंस, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर लीव्स का। फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर, जितना आप तीखा खाते हैं उतना डाल दें। फिर इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जी हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर, उसके साथ ही हम दीगर मसाले भी ऐड कर लेंगे, फिर सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। तो चलें ऐड करते हैं टर्मरिक, और इसके साथ ही ऐड करते हैं जी थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा पाउडर, फिर इसके साथ ही ऐड करते हैं सॉल्ट। धनिया और ज़ीरा रोस्ट कर लें, हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें, फिर उसको ग्राइंड कर लें, फिर डाल दें। फिर इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया हसबी ज़रूरत। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से भूनेंगे। मसाले को अच्छे से भूनना ज़रूरी है क्योंकि ये फ़िश की रेसिपी है, मसाला पहले अच्छे से पकना चाहिए, उसके बाद हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे, क्योंकि फ़िश तो बहुत जल्दी पक जाती है। और आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़े की देसी स्टाइल, विलेज स्टाइल का ये करी है जो हम बना रहे हैं, और इसमें हम ऐड करते हैं फ़िश जो है सार्डाइन, जिसे कहते हैं यहाँ पे मत्ती कहते हैं। सार्डाइन जो इंग्लिश वर्ड है वो है, फिर यहाँ पे हाँ जी मत्ती कहते हैं, इसके अलावा और क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। देखिए मसाला हमारा भुन रहा है, अच्छे से भुन रहा है। इसको अच्छे से भुनने के बाद हमें इसमें एक और मज़ेदार सी चीज़ ऐड करनी है। मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें ऐड करते हैं जी ग्रीन चिलीज़। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोटी वाली ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, आपको जितनी चाहें जैसी चाहें आप ऐड करें, और इसमें स्लिट करके डालें, या चाहे तो आप पूरा स्लिट करके डालें, मैं बीच में बस एक छोटा सा कट लगा रही हूँ और इसको ऐड कर रही हूँ। अब ग्रीन चिलीज़ को डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भूनना है ताकि इसकी खुशबू जो है अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए इसमें। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जी टैमरिंड पेस्ट, टैमरिंड यानी कि इमली का पानी। इसको पानी पेस्ट जो भी है आप पीस के डालना चाहें पीस के डाल दें, और जितना आप खट्टा खाते हैं उस हिसाब से डालें। मुझे खट्टा बहुत पसंद है और तीखा भी बहुत पसंद है, तो मैंने आराम से अपने हिसाब से डाला हुआ है। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और ऐड करना चाहिए, मैंने थोड़ा सा और टैमरिंड पेस्ट ऐड कर दिया है, आपको अपने अकॉर्डिंग ऐड करनी है। अब उसके बाद इसे हम मिक्स करते हैं, फिर इसे पकने के लिए रख देते हैं। जैसे ही मसाले में बॉयल आना शुरू होगा हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, 1/4 कप के करीब थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, और इसको अच्छे से बॉयल आने के लिए फिर से रख देते हैं। जब इसमें बॉयल आ जाएगा हम फिश की इसमें एंट्री करेंगे। जिस जार में मैंने मसाला ग्राइंड किया था अनियन का, कोरिएंडर का, ग्रीन चिली का, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डाल दिया है। चलें यहाँ पे मसाला जो है वो पक रहा है, अब इसमें ऐड कर देते हैं फिश। आहिस्ता आहिस्ता से ऐड कर दें और एकदम से फुल आंच में रखें और इसमें ऐड करते जाएं। जैसे ही सारी फ़िश डाल के ख़त्म हो जाए फिर इसमें आप इसे मीडियम फ्लेम पे टर्न कर दें, फिर इसे बस थोड़ी देर पकाना है। आपको तो पता होता है कि फ़िश कितनी देर में पक जाती है, तो बहुत जल्दी बन जाएगी। इसके साथ आप रोटी, फुलकास कुछ भी सर्व कर सकते हो इसके साथ,
और इसके साथ जो सबसे मज़ेदार लगेंगी वो है जी चावल वाली रोटी, चावल की रोटी जिसे कहते हैं हम, जिसे भाकरी कहते हैं, पास्टी कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो चावल वाली रोटी के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। मैं या तो इसे चावल की रोटी के साथ बना रही हूँ या तो फिर मैं गेहूँ वाली रोटी के साथ बनाऊँगी, दोनों में से कोई भी एक चल जाएगी। एक बार आप नमक टेस्ट कर लें और तीखा तो आप अपने ही अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप नमक टेस्ट करें, उसके बाद अगर कम है, देखें मैं बता रही हूँ बहुत मज़े की बनी है। ओके जी, वेल डन, बहुत ज़बरदस्त है। और अब इसके ऊपर हम जो है लिड ढक देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद इसे ओपन करते हैं। देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जी धनिया पत्ता यानी कि हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स, और इसको हल्का सा मिक्स दे दें। फिर अभी स्टोव को बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। जो फ़िश लवर्स हैं, जिनको सी फूड पसंद है, वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी अब सर्व कर लेते हैं प्लेट में, देखें कितने मज़े की लग रही है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह हम जल्द ही मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस। चलें फिर दुआओं में याद रखें, मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।